नमस्ते सर। सर मैं आरती शर्मा गांव कुनोटा से बोल रही हूँ। सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 70 साल बाद ऐसा प्रधानमंत्री आए हैं जो जो पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने इलेक्ट्रिफाइड कर दिया हमारे एरिया को। सर हम कैरोसिन ऑयल लेने के लिए रियासी आते थे 30 किलोमीटर पैदल चल के। सर अब हम घर में ही सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम के वक्त हम रात को भी नहीं पढ़ पाते थे सर, सर अब हम रात को भी पढ़ सकते हैं। क्या नाम बेटा? आरती शर्मा। क्या पढ़ती हो? सर 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा तुम्हारे घर में भी बिजली है? सर अब है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी तो पहले तो घर में एकदम से अंधेरा हो जाता होगा। सर बहुत डर लगता था, बहुत अंधेरा था। अब ऐसे लगता है जैसे तारे जमीन पर आ गए हो। अच्छा और भी किसी से सुनना चाहेंगे? वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं लास्ट में एक शायरी बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ आरती। ऐसा अवतार धरती पे आया, तारों को जमीन पर लाया, नरेंद्र मोदी से वो कहलाया। धन्यवाद। वाह वाह वाह। नमस्कार सर, मैं असदुल्ला मोजाखोड़ जिला रियासी का रहने वाला हूँ। मोजाखोड़ डिस्ट्रिक्ट रियासी का सबसे लास्ट कॉर्नर है। सबसे लास्ट कॉर्नर, लगभग 300 किलोमीटर यहाँ से दूर है। मैं और हमारे लोग आपको मुबारकबाद देते हैं कि उस आखिरी कोने में बिजली आई। 70 साल मेरी एज है, इस एज में हम तरसते रहे कि बिजली आएगी बिजली आएगी, लेकिन पहली बार यह ऐसा हुआ कि हमारे गांव में बिजली आई। हम आपको अपने इन गांव वालों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद जी। और आप गांव की चिंता कर रहे हैं, गांव के लिए समय दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। अच्छा तो पहले जो हमें मुसीबतें थी, अंधेरे में रहना पड़ता था, जो भी लोग थे वो मतलब दोहे में रहते थे। डॉक्टर लोगों ने उनको कहा कि नहीं जी इसे टीबी हो गया, कहीं अस्पताल में दाखिल हो गए। अब डरते थे लोग, दिन के सूरज के गायब होने तक ही वो सब कुछ करना पड़ता था। अब लोग खुश हो गए कि वहाँ कम से कम 200-300 घरों को मिल गया, वो कनेक्शन मिल गया। बाकी भी काम चल रहा है, उम्मीद है कि वो इस साल पूरा हो जाएगा। लोग बहुत खुश है। हम दोबारा आपको अपने और उन लोगों की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। आप सबका बहुत आभारी हूँ। एक बात और अर्ज है कि आपने कहा 2009 में ये बिजली देनी थी इनको, आप 2002 की बात करो, कहीं गांव हमारे ऐसे हैं कि जो 2002 में इन्होंने बिजली कनेक्शन दिया 4 या 5 बल्ब, अभी आप कह रहे हैं हमारे 18,000 गांव आगे, क्या पता उस हिसाब से अभी और 18,000 गांवों को बिजली देनी पड़ेगी। निकल जाए निकल जाए, नए गांव बन जाएंगे, नए गांव और आएंगे। नहीं अगर कहीं कैसा कहीं कोने में भी कुछ छूट गया होगा तो इस जागरूकता आई है तो सरकार में मानो नीचे से कोई बता देगा कि गलत बोल देगा, तो ये जागरूकता आई है ना। मैं बातचीत इसलिए करता हूँ ताकि एक जागरूकता बने और कहीं भी कुछ छूट गया है तो तुरंत काम हो जाए। और ये बात सही है कि लोग अगल बगल के नई नई गांव बसाते जाते होते हैं तो ऐसे जो टीले होते हैं छोटे छोटे रहने के लिए, अगर उसमें भी इसके बाद उसका भी काम लेने वाले हैं, फिर उसके बाद घरों का काम लेने वाले हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के।